मुरादाबाद से हमारी पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तांसु जोशी जी भी आ गए हैं, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मुक्ता मिश्रा जी भी आ गए हैं, कोषाध्यक्ष जी सुशील वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, महासचिव जी राजेश पाटिल त्रिपाठी जी और हमारी पार्टी की मुखिया और राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण संदेश तिवारी जी भी उपस्थित है, जिसपे मेन जो चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून की व्यवस्था करती जा रही है, हत्या लूट बलात्कार जो चारों तरफ फैला हुआ है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पूर्ण रूप से विफल होती जा रही है। 22 तारीख को काजल रावत नाम की लड़की का पारा में बलात्कार हो जाता है और पुलिस मौन है, अभी तक आरोपी पकड़े नहीं गए हैं, पुलिस सिर्फ लीपापोती में लगी हुई है कि ये है मुस्लिम वो है, सिर्फ बदलाया जा रहा है उसके परिवार वालों को। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, वो भी ब्राह्मणों को एक सबक है और सोचने की जरूरत पड़ेगी सभी ब्राह्मणों को, उत्तर प्रदेश के क्या पूरे भारत के, कि जिस तरीके से योगी सरकार ब्राह्मणों पर अत्याचार कर रही है, इसपे हिंदू समाज पार्टी प्रदेश के और देश के सभी ब्राह्मणों के साथ में है। किसी भी तरीके की अगौनी या कुछ भी होगा तो हिंदू समाज पार्टी सभी ब्राह्मण जाति के साथ में, दलित के साथ में, ओबीसी के साथ में, सबके साथ में है। आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ ठाकुर राज चल रहा है जिसके मुखिया सिर्फ योगी आदित्यनाथ है और वो स्पेशल ठाकुर फोर्स चला रहे हैं जो एसटीएफ के नाम पे चल रही है। सिर्फ ब्राह्मणों के एनकाउंटर हो रहे हैं, मुस्लिमों का तुष्टिकरण किया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है राम मंदिर में शिलान्यास के लिए, प्रधानमंत्री जी जब आते हैं तो फैज खान को उसकी मिट्टी के लिए बुलाया जा रहा है। चंपत राय जी का क्या वो दामाद है या भारतीय जनता पार्टी जो दामादों के बीच चला रही है, हो सकता हो कुछ दिनों बाद पता चले वो उन्हीं पदाधिकारियों में से किसी का दामाद निकले। तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता के साथ छलावा कर रही है, इसके बारे में प्रदेश की जनता को, ब्राह्मणों को और सभी वर्ग के लोगों को सोचना होगा, समझना होगा और इसका सबक सभी हिंदू भाई 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जब उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकेंगे तब भारतीय जनता पार्टी के ठाकुरों को और जिस तरीके से उनके सांसद विधायक मंत्री मनमानी कर रहे हैं, घूस ले रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं उनके सांसद और मंत्री विधायक, तब उनको पता चलेगा कि हिंदुओं के साथ छलावा करने का अर्थ क्या होता है। जिस तरीके से कमलेश तिवारी जी की हत्या हुई, आज तक उनके आरोपियों को सजा नहीं मिली। योगी आदित्यनाथ जी से कई बार डिमांड की गई है कि सीबीआई जांच हो, जितने भी आरोपी हैं उसमें यह सबको पता चले कि उनके पीछे किन किन लोगों का साथ है। तीन लोगों पर रासुका लगा दी गई है, इससे हिंदू समाज पार्टी में रोष है, हिंदुओं में रोष है। योगी आदित्यनाथ जी हिंदुओं के नेता है, वो अपने आप को कहते हैं, और वो हमारे कमलेश तिवारी जी की हत्या हो जाती है और वो मौन रहते हैं। सारी झूठी वादे उनके द्वारा किए गए उनके परिवार को, और हिंदू समाज पार्टी भी पूरा विरोध कर रही है, जिसमें मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ स्वयं बैठी हुई है उनसे वो भी दो शब्द इस बारे में बोले। कमलेश तिवारी जी भाजपा सरकार से हमें 15 लाख रुपया मिला था, सभी लोगों को जानकारी इसके विषय में, बेटे को नौकरी के लिए बात किया था उसको अभी तक नहीं किया, एक साल हो रहा है। फिर भी हम लोग है इतना विरोध भाजपा का, हमें किसी पार्टी का विरोध हम नहीं करते, हम सिर्फ नीतियों का विरोध करते हैं हमेशा के लिए, हमें नीतियों का विरोध है। भाजपा सरकार हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार कर रही है इसको बंद करवा दे, हमें उसका कोई विरोध नहीं है। ये पंडित और ये पंडितवाद हमारी पार्टी में नहीं है, हमारे सारे वर्ग के लोग हमारे लिए सम्मानित है, चाहे वो कोई भी जात के हो, हम सबके घर जाते हैं, सबके घर पानी पीते हैं, सबके घर खाना खाते हैं। हमें हिंदू को लेकर के ही चलना है, हमें पंडितवाद भी चलाना है, लेकिन अगर पंडित का इस समय ज्यादा देखा जाए तो बहुत पंडितों का जो है कत्ल हुआ है, मर्डर हुआ है, तो ये बोलने में हमें थोड़ा मजबूर कर देता है कि पंडितों का जो हत्याएं हो रही है क्यों हो रही है, कि पंडित ही विरोधी क्यों है। लेकिन पंडितवाद हिंदू समाज पार्टी में ना तो कभी था और ना कभी रहेगा, हमेशा सभी हिंदुओं को
लेकर चलने वाली पार्टी है। मेरे आदरणीय गुरुजी अमर बंजारे कमलेश तिवारी जी अमर है यहाँ पे उपस्थित राष्ट्रीय महोदया श्री किरण कमलेश तिवारी जी, वह हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान गौरव वर्मा जी, हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमान सुशील वाजपेयी जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रांशु जोशी जी, वह प्रदेश अध्यक्ष ओमकार जी यहाँ पे उपस्थित है, वह हिंदू समाज पार्टी के जो भी यहाँ पे पदाधिकारी हैं कार्यकर्ता हैं उपस्थित है, मैं सबको जय श्रीराम बोल रहा हूँ। जय हिंदू राष्ट्र। हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार हैं, हमारा एक ही नारा है जो हमारे गुरु जी कहा करते थे कि हिंदू का साथ हिंदू का विकास, यही मेरा एजेंडा है, यही मेरा नारा है और गुरु जी के सारे सपनों को साकार करना ही मेरा मूल कर्तव्य है। उसे साकार करने के लिए हमें जो भी कदम उठाने पड़ेंगे हम सारे कदम उठाएंगे, लेकिन गुरु जी के सपनों को साकार करेंगे। इसके बीच में जो भी शरारती तत्व अराजक तत्व हिंदू समाज पार्टी के बीच में आएंगे, आज कदम को रोकने की कोशिश करेंगे, तो हम पूर्ण रूप से उसका विरोध करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम सर भी कलम कर देंगे।